नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मातृशक्ति का महापर्व नवरात्रि पूरे देश में धूम मची हुई है। सभी लोग माता की आराधना में लगे हुए हैं। वहीं इंदौर की सेंट्रल जेल में भी पहली बार माता रानी की घट स्थापना की गई, जहां कैदियों ने भी माता की आराधना की। गौरतलब है कि इन दिनों सभी लोग माता की आराधना में लीन है। वहीं शहर में अलग अलग स्थानों पर गरबों का भी आयोजन हो रहा है। इंदौर की सेंट्रल जेल में भी कैदियों के लिए गरबे का आयोजन किया गया। जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि इंदौर की सेंट्रल जेल में पहली बार इस तरह का आयोजन होने जा रहा है। जेल के इतिहास में कहीं पर भी ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ है। कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य कैदियों में मानसिकता में सुधार और उनका आचरण सुधरे, जिसे लेकर इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके पहले भी जेल में श्राद्ध पक्ष में पितृ तर्पण का आयोजन किया गया था, जो कि काफी सफल आयोजन रहा। अब इस तरह के आयोजन लगातार जेल परिसर में आयोजित किए जाएंगे। जेल में बंदियों द्वारा स्वयं जो है मंडली बना करके गरबे का प्रैक्टिस भी की जा रही है, पुरुषों और महिलाओं द्वारा अलग अलग। और उद्देश्य सिर्फ इतना है कि माँ का आराधना करना, क्योंकि माँ की आराधना के लिए सबसे अच्छा ये माना जाता है कि 9 दिनों में गरबा जो होता है माँ को बहुत प्रिय है। और ये गरबे के माध्यम से अपनी भक्ति के माध्यम से माँ से अपनी सजा या जो अपने परिवार से ये अलग हैं उसके लिए वो आराधना कर रहे हैं। हम तो सिर्फ उनके लिए एक माध्यम बने। इन 9 दिनों में कुछ कैदी उपवास पे भी होंगे, तो उनके लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई? लगभग 550 बंदियों द्वारा जो है नवरात्रि का उपवास किया जा रहा है, और उनके उपवास के लिए फलहार दिया जाता है, फल दिए जाते हैं और गुड़ और चना विशेष रूप से दिया जाता है, और दूध भी दिया जा रहा है। बात करें तो जो महिला कैदी हैं वो कितना इंटरेस्ट ले रही हैं इस गरबे और इस तरीके के आयोजन? सभी में बहुत उत्साह है, महिलाओं में भी बहुत उत्साह है। महिलाएं दिन में 2 बार गरबे की प्रैक्टिस भी कर रही हैं, उसमें करीब 30 महिलाएं हैं जो गरबे की प्रैक्टिस कर रही हैं। और महिलाओं द्वारा भी उपवास किया जा रहा है, लेकिन उसमें सबसे पहले हमने डॉक्टर से चेक कराया कि जो स्वस्थ हैं वही उपवास रखें, और बहुत ही रुचि से महिला जो है गरबे में पार्टिसिपेट कर रही हैं। कल पहली प्रस्तुति महिलाओं द्वारा वहाँ पे स्वेच्छा से दी गई और उसको सभी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।